जीवन दोपहर होता है तो जस्ट चल जाना, मैं सो के उठा हूँ और आज जो है ना मेरे पास लास्ट डे है और पॉलीक्लिनिक एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए। तो अभी जो है ना मैं नेस आया था लंच करने और पता है आज पता नहीं यार कैसे कैसे पूरा टाइम खत्म हो गया। यहाँ टाइम जो है ना 12:30 हो रहा है और मैं अभी लंच करने आया था और मैं सुबह ब्लॉग रिकॉर्ड किया, उसके बाद ब्लॉग भूल ही गया मैं ब्लॉग रिकॉर्ड करना, उसके बाद कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। अभी लंच आया तो फिर अभी से स्टार्ट किया हूँ मैं और पता नहीं यार सुबह उठ के बस फ्रेश वगैरह होने में, ब्रेकफास्ट वगैरह करने में बस हल्का सा पढ़ाई किया, फिर टाइम ही हो गया मैं इसका। कैसे टाइम खत्म हो रहा है यार पता ही नहीं चल रहा, कल एग्जाम है पॉलीक्लिनिक का, ऐसे लग रहा है टाइम ही वही खत्म हो रहा है, ही ऐसा लग रहा है एक घंटा में ही जो है ना 5 घंटा खत्म हो गया हो, इस टाइप का जो है ना फील आ रहा है। तो अभी जो है ना भाई काफी सारा पढ़ना बाकी है, रिवीजन करना जो है ना, काफ़ी सारे टॉपिक जो है ना बाकी है जिसका रिवीजन अभी नहीं किया हूँ। आई होप रात तक जो है ना कंप्लीट हो जाएगा और अभी सुबह से नहाया भी नहीं हूँ। और यहाँ पता है टाइम हो रहा है 6 बज रहा है भाई, तो मैं सोच रहा हूँ 1 घंटे के लिए जिम से होके आ जाते हैं, सुबह से रूम में ही है, 1 घंटे से जिम में होके आ जाते हैं और जिम में जो है ना एकदम मस्त नहा धोवा लेंगे, फिर रात को जो है ना फिर दोबारा बैठेंगे। और एग्ज़ाम है कल 9 बजे से हॉस्पिटल नंबर 16 भी आई थिंक, अभी मैं जहाँ रह रहा हूँ यूनिवर्सिटी कैंपस में, यहाँ से बाई टैक्सी अप्रॉक्स 10 मिनट के आसपास में जो है ना लगेगा जाने में, तो भी चलते हैं निकलते हैं जी स्पोर्ट्स जा। जाके जो है ना आज का वर्कआउट कंप्लीट हुआ है, जिम आने जाने और जिम करने में जो है ना कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ 2 घंटे का टाइम जो है ना लग ही जाता है, कम से कम 15-20 मिनट आने में, 15 जाने में वगैरह हो। आज जो है ना मैंने सोचा कि सबसे फास्ट करते भी जो है ना अप्रॉक्स 2 घंटा जो है ना हो ही जाएगा हॉस्टल पहुँचते पहुँचते। तो अभी जो है ना मैं KFC आ गया हूँ, काफ़ी दिन हो गया था भाई KFC का चिकन फ्राई खाते हुए, तो मैं सोचा चलो भाई आज जो है ना KFC से ऑर्डर करते, पहले इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ सक्रांत, अब आ जाएगा इंग्लिश में, पहले क्या था रशियन में, पहले जूसी चिकन देखते हैं, चलिए पहले ऑर्डर कर लेते हैं फिर जो है ना आप लोग से मिलते हैं। तो अभी जो है ना मैं ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर नंबर है 526, ऑर्डर नंबर जो है ना याद रखना पड़ता है और यहाँ पे जो है ना डिस्प्ले भी होता है ऑर्डर नंबर, देखो गतोबाद क्या लिखा है भाई, गतोबाद से मीन सभी जो है ना कुकिंग हो रहा है, 526 था ना मेरा, हाँ सबसे लास्ट में, अगर बन जाएगा ना तो यहाँ गतोबा पे आएगा, जो वाइट कलर का बोर्ड है ना वहाँ पे आ जाएगा, तो अभी वेट करते हैं 4-5 मिनट का जो है ना टाइम लग जाएगा। और अभी जो है ना KFC के पास सीधा निकलूँगा रूम, अभी जो है ना भाई जाके बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा काफ़ी सारा अभी पढ़ना है, तो अभी चल के जो है ना रूम एग्जाम का प्रिपरेशन होगा। ये लो भाई अभी जो है ना इतनी रात को फ्लावर लगाने सब आ गए हैं, रात नहीं अप्रोक्स 9 बज रहा होगा, हाँ भाई 9 बज गया है, अभी फ्लावर लगेगा भाई हमारे हॉस्टल के सामने, पूरा ट्रक में भर के लाए, ये देखो यहाँ पे रखा हुआ है फ्लावर सब,
पहले लगाए थे थोड़ा ये और आधा बाकी है, फिर अभी और सा और भी आगे रो है उसमें लगाएंगे। तो अभी जो है ना भाई काफ़ी सारा अभी रिवीजन किया हूँ और अभी मैं थोड़ी देर का ब्रेक ले रहा हूँ। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। तो अभी जो है ना भाई थोड़ा एग्जाम्स वगैरह का प्रिपरेशन करना है, इसलिए जो है ब्लॉग को शॉर्ट ही बनाते हैं आज। मिलते हैं फिर आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में।